तमाम छोटे बड़े न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल ने हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनवाई। नतीजों के दिन शुरुआती रुझान में भी कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत आता दिखा तो कांग्रेस दफ्तर में लड्डू और जलेबी बंटने लगी। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा बीजेपी का नंबर भी चढ़ता गया और उसी अनुपात में कांग्रेस का नंबर घटता गया। अब कांग्रेस यही शिकायत लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गई है। ज्ञापन हम पेश कर रहे हैं, अब ये अगले 5-7 मिनटों में हम पेश करेंगे, शिकायत कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि ECI हमारे सवालों का जवाब दें, क्योंकि 10-12-11 राउंड के नतीजे आ चुके हैं, पर जो अपडेट किया गया ECI के वेबसाइट पर, चैनलों पर, सिर्फ 4 या 5 राउंड के नतीजे आ रहे हैं। तो ये प्रशासन पर एक दबाव रखने का एक तरीका है। ये लोकसभा चुनाव में भी हुआ था, हम लोग गए थे, अभिषेक सिंघवी जी और मैं ECI गए थे, हमने शिकायत की और तब ECI ने कार्रवाई की। तो हम उम्मीद करते हैं कि ECI जो एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष संस्था है, इस तरीके से स्थानीय प्रशासन पर दबाव नहीं डालना चाहिए। मीडिया के कैमरों के सामने ये बयान देने के कुछ ही मिनट बाद कांग्रेस का डेलीगेशन चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गया। कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंप कर अनुरोध किया कि आयोग अपने अधिकारियों को वेबसाइट को सच्ची और सटीक आंकड़ों के साथ अपडेट करने के लिए तत्काल निर्देश जारी करें, ताकि झूठी खबरों और दुर्भावनापूर्ण बयानों का तुरंत मुकाबला किया जा सके। इधर कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं से भी अपील की है कि वो हताश और निराश ना हो, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तमाम काउंटिंग सेंटर पर डटे रहे। जयराम रमेश ने दावा किया है ये सब माइंड गेम है, हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। कोई हताश होने की कोई जरूरत नहीं है, निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। 3:30 बजे तक काउंटिंग सेंटर पर वो रहे, टिके रहे, क्योंकि ये खेल खत्म नहीं हुआ है। ये सब मनोवैज्ञानिक खेल है, ये माइंड गेम चल रहा है, इससे हम हटेंगे नहीं। ये कोई निराश होने की कोई कारण नहीं है, हमें जनादेश मिलने वाला है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। यानी कांग्रेस इस उम्मीद में है कि जब सारे राउंड की गिनती पूरी हो जाएगी तो हरियाणा में नतीजे उसके फेवर में आएंगे। हालांकि खबर लिखे जाने तक बीजेपी रुझानों में बहुमत से आगे अपने दम पर सरकार बनाती हुई दिख रही है, जबकि रुझानों में कांग्रेस बहुमत से 10 सीट पीछे दिखाई दे रही है। सभी को हरियाणा के फाइनल नतीजों का इंतजार है।